दोस्तों, जेमिमा रोड्री ग्रेज एक भारतीय महिला क्रिकेटर है जो भारतीय महिला टीम में बतौर बल्लेबाज खेलती हैं। हाल ही में उन्होंने अपना 22वां जन्मदिन मनाया है। भारतीय महिला टीम के स्टार बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिगस को अगस्त में राष्ट्रमंडल खेलों में इनके शानदार प्रदर्शन करने पर ICC द्वारा इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल तक पहुँचाने में जेमिमा रोड्रिगस की बहुत अहम भूमिका रही थी। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने वालों की सूची में 5वें स्थान पर रही थी। इसके अलावा जेमिमा ने महिला बिग बैश लीग के 8वें सीजन में मेलबर्न स्टार्स की ओर से खेलने के लिए करार किया है। जेमिमा भारत महिला टीम में बतौर ऑलराउंडर खेलती हैं। वे दाएं हाथ की विस्फोटक बल्लेबाज है और दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर गेंदबाज भी है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जेमिमा रोड्रिगस का परिचय, जिसे हम जेमिमा रोड्रिगस के जन्म से लेकर उनके अब तक के सफर के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, 22 वर्षीय जेमिमा रोड्रिगस भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज है। वे भारतीय टीम में बतौर ऑलराउंडर खेलती हैं। नंबर 2017 में इन्होंने सौराष्ट्र के खिलाफ औरंगाबाद में सिर्फ 163 गेंद में नाबाद 202 रन बनाए थे। स्मृति मंधाना के बाद वह वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर है। इन्होंने 4 साल की उम्र में उन्होंने सीजन क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। हाल ही में हुए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में ये रजत पदक जीतने वाली भारतीय महिला टीम का हिस्सा थी। इन्होंने भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। कॉमनवेल्थ गेम्स में उनके प्रदर्शन को देखते हुए ICC ने इन्हें महिलाओं के प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नामित किया है। इन्होंने अपने जून 2018 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू जूनियर महिला क्रिकेट के लिए जगमोहन डालमिया पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। जेमिमा रोड्रिगस के बारे में आप अधिक जानने के लिए जुड़े रहें। जेमिमा रोड्रिगस का जन्म 5 सितंबर 2000 को मुंबई के भाडंप में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। वे एक क्रिकेटर परिवार से आती हैं और उनके पिता इवान रोड्रिगस क्लब क्रिकेटर रह चुके हैं और वर्तमान में वे एक क्रिकेट कोच और ट्रेनर है। जेमिमा की मां का नाम लविता रोड्रिगस है और वे एक पोषण विशेषक है। जेमिमा को लोग जेमी के नाम से भी जानते हैं। जेमी के दो बड़े भाई हनोक और एली रोड्रिगस है। जेमी का क्रिकेट से बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है। उनके भाई भी क्रिकेट खेला करते हैं और ये अपने भाइयों को गेंदबाजी करते हुए बड़ी हुई है। इनका पिता इवान रोड्रिगस ने इन्हें बेहतर खेल सुविधाएं दिलाने के लिए अपने परिवार के साथ बरांडा शिफ्ट हो गए थे। स्कूल में पढ़ाई के दौरान जेमिमा रोड्रिगस ने अपनी मेहनत और लगन से शानदार प्रदर्शन करते हुए मुंबई अंडर 19 टीम में जगह बना ली थी। उस समय वह महज 13 साल की थी। मुंबई अंडर 19 टीम में चुने जाने के बाद जेमी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जेमिमा के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते इन्हें मुंबई की अंडर 19 टीम की कमान सौंपी गई थी। मुंबई अंडर 19 टीम के लिए खेलते हुए उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और 2 सीजन में ये शीर्ष स्कोरर रही थी। इसके बाद इन्होंने मुंबई की अंडर 23 और सीनियर टीम के साथ साथ भारत की अंडर 19 टीम में भी भाग लिया। वर्ष 2016-17 सीजन के दौरान जेमिमा ने 10 पारियों में कुल 665 रन बनाए। इसके अगले सीजन में उन्होंने 1013 रन बनाकर सबको चौंका दिया। इसके 5 शतक के बाद एक दोहरा शतक भी शामिल था। स्मृति मंधाना के बाद वह वनडे मैच में दोहरा शतक लगाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर है। इस दौरान इन्होंने नवंबर 2017 में मुंबई अंडर 19 में सौराष्ट्र के खिलाफ औरंगाबाद में खेलते हुए सिर्फ 163 गेंद में नाबाद 202 रन बनाए थे। इस धमाकेदार पारी के बाद जेमी लाइमलाइट में आई और फरवरी 2018 में साउथ अफ्रीका टूर पर जाने वाली टीम में उनका सिलेक्शन हो गया। आशा है कि आपको हमारा जेमिमा पर लिखा गया यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि और भी लोगों को आपके माध्यम से इनकी जानकारी हो सके। अगर आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया में जाकर हमें अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दें।